अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? क्या आप अपना ओल्ड चैनल ग्रो कर सकते हैं? एक कमेंट रिसीव हुआ है मुझे जिसपे ये क्वेश्चन था कि क्या हम अपना ओल्ड चैनल ग्रो कर सकते हैं, तो मैंने उन्हें कहा जी बिल्कुल कर सकते हैं। तो आगे से उनका जवाब आया हमारा तो डेड हो गया। बहुत सारे मेरे व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स जिनके ओल्ड चैनल ग्रो नहीं हो पा रहे हैं, एक छोटी सी टिप है आप सबके लिए इस वीडियो में। कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, सिर्फ आपको ये बताऊंगी कि ओल्ड चैनल को ग्रो करने के बेसिकली क्या स्ट्रेटेजी या क्या तरीकाकार होता है, आपका चैनल ग्रो हो जाएगा इंशाल्लाह। वो चैनल जिसमें आपने काम करना छोड़ दिया है तो ठीक है, अगर आपके पास ऐसा कोई चैनल है, आपने सबसे पहले जो काम करना है वो ये कि दोबारा से उसमें जो काम स्टार्ट करना है तो कंसिस्टेंसी के साथ काम स्टार्ट करना है। और उस कंसिस्टेंसी से भी पहले आपने काम करना है, यू शुड क्लियर योर सेल्फ कि आपने किस नीच पर काम करना है, आपने किस कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। आप जिस भी नीच पर काम कर रहे हैं क्या आपकी कैटेगरी ठीक है, आपने ये चीज सिलेक्ट करने के बाद दोबारा से उस चैनल पर काम स्टार्ट करना है। और फिर आपने डेली वीडियोज अपलोड करनी है, अगेन बोल रही हूँ डेली वीडियोज अपलोड करनी है। डेली वीडियोज अपलोड करने से आपके चैनल पर जो कि ओल्ड चैनल होता है वो ग्रो करने का एक बहुत बेहतरीन तरीका यही होता है कि आप डेली कंटेंट अपलोड करें, उससे आपके चैनल पे बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है और आपकी ऑडियंस दोबारा से आपके पास आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो डेली अपलोडिंग करें एंड मेक श्योर योर कॉन्टेंट योर कैटेगरी शुड बी क्लियर टू योर ऑडियंस एंड टू यू एज वेल। जब आपको ये चीज क्लियर होगी तो ऑब्वियसली आपके ऑडियंस को भी ये चीज क्लियर होगी। जब भी आप चाहते हैं कि आपका ओल्ड चैनल ग्रो हो जाए तो आपने चीजें देखनी है जो आप अपने ओल्ड चैनल को चलाते वक्त कर रहे थे। वो कुछ ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आप समझते हैं मिस्टेक्स नहीं है, बट वो मिस्टेक्स होती हैं। यूट्यूब की नजर से देखें जरा अपने चैनल को, वो चैनल जो ग्रो हो चुके हैं वो चैनल जो ग्रो नहीं होते, दोनों में कोई डिफरेंस जरूर होता है, आपने वो डिफरेंस फाइंड आउट करना होता है। और अगर आपका कोई ओल्ड चैनल जो अभी तक ग्रो नहीं हो सका तो यकीनन उसमें वो गलतियां होंगी, तो आपने उन गलतियों को नहीं करना। उस वक्त जो मिस्टेक कर रहे थे बस वो मिस्टेक करना छोड़ दीजिएगा और कंसिस्टेंसी भी रखिएगा साथ में अपनी वीडियो की। आपने क्वालिटी पे बहुत ध्यान देना है, वीडियो की क्वालिटी से ज्यादा आपने अपनी एसईओ पे बहुत ध्यान देना है। वो सारी चीजें जो आप उस वक्त नहीं कर रहे थे अब स्टार्ट कर दें करना। इंप्रूव करें अपने कंटेंट को डे बाय डे। आप लोग सब कुछ तो कर लेते हैं लेकिन सबर नहीं करते। क्यों नहीं करते ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि जब मेरे पास कमेंट्स आते हैं, मैं कोई भी एक आपके टॉपिक से रिलेटेड वीडियो बनाऊं, आप वो वीडियो देखते हैं और राइट आफ्टर टू डेज या थ्री डेज या एक हफ्ते के बाद मुझे कमेंट आ रहा होता है कि यार हमने ये काम कर लिया है लेकिन उज़ैफा हमें तो फर्क नहीं पड़ा। तो देखें एक हफ्ते में आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ने वाला, एक दिन में, दो दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में इसका फर्क नहीं पड़ने वाला। हर चीज को टाइम लगता है। तो ये जो काम आप करेंगे यानी कि अपने ओल्ड चैनल को ग्रो करेंगे जिसमें आप ऑलरेडी अच्छा खासा गैप ले चुके हैं और जो चैनल आपका पहले से ही ग्रो नहीं था, अब उसमें जब आप वर्क करेंगे तो डेफिनेटली आपको उसमें सब्र रखना होगा अच्छा खासा। सब्र के साथ साथ आपको हौसला रखना होगा, बर्दाश्त रखनी होगी कि आपको पता होना चाहिए कि जो चीज ऑलरेडी ग्रो नहीं थी और अब आप दोबारा से उस पर कॉन्टेंट अपलोड करने लगे हैं तो जाहिर सी बात है आपको थोड़ी सी हिम्मत रखनी पड़ेगी कि आपको एक वक्त चाहिए होगा कि आपकी ऑडियंस दोबारा से बिल्ड हो, उन्हें पता चले कि आप कॉन्टेंट अपलोड करना स्टार्ट हो गए हैं और फिर आपका कॉन्टेंट इतना अच्छा हो, इतना इंप्रूव हुआ हुआ हो कि वो आपके चैनल के साथ बन जाए, साथ साथ आपकी हर वीडियो देखें और फिर इस तरह से आपका चैनल ग्रो हो जाए। तो ये तीनों पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे। सबसे पहले बात आपने अपने कंटेंट को क्लियर रखना है, अपनी नीश को क्लियर रखना है और फिर आपने डेली अपलोडिंग करनी है। हार्ड वर्क भी करें, पेशेंस भी रखें तो इंशाल्लाह ताला आपका चैनल जरूर ग्रो होगा। अपनी दुआ में अपनी बहन को याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।